जैन सर जैन मैं दिन मंडी से ओम प्रकाश सत्यराज सरानी परिवार से मिला। ये पंजाब नेशनल बैंक चार गांवों के साथ 2021 में गेहूं का बीमा काटा था बारहवें महीने में, और बीमा 2022 में सातवें महीने में बीमा जारी होने के बाद में वो राशि वापिस खाते में डाल दिए बैंक की स्टेटमेंट देने के बाद। चार गांवों का मसला है साहब, ये 600 खाते स्टेट बैंक ने अपने पास रख लिए, 600 खाते आके कंपनी ने भेजे थे, वो 600 खातों का बीमा आ गया और हमारे 600 खाते ये बका रहे हैं। इनका साथी पैसे एक साल बाद साथी पैसे बैंक ने वापिस डाल दिए। बताओ जी। नमस्कार सर। सर ये रबी सीजन का बीमा जो है 30/12/2021 को लगभग 1200 किसानों का 16,05,609 रुपये प्रीमियम भेजा गया था सर, और ये इंक्रीज भी कर दी गई थी सेम डे, और पैसा यूटीआर नंबर है सर, और पैसा रेमिट सेम डे सॉरी 12/1/2022 को ये भेज दिया गया। 15 दिन के अंदर अंदर पैसा भेजना होता है सर, 15/1 की बजाय 12/1/2022 को पैसा भेज भी दिया गया, मगर एक 6 महीने के बाद कंपनी ने क्या किया कि पैसा वापस कर दिया। जब बैंक ने कंपनी से ये मामला उठाया तो उन्होंने ये कहा कि आपकी एंट्रियां जो है अनपेड हैं, जबकि हमारी एंट्री पेड थी और पेंडिंग पर अप्रूवल दिखा रही थी। ये मामला हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी उठाया और एक मीटिंग की गई जो 21/2/2023 श्री अमरजीत सिंह महान IAS की अध्यक्षता में, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया जबकि कंपनी ने अपना पक्ष रखा कि कुछ एंट्रियां तो ये यहाँ पे टैग थी और कुछ एंट्रियां टैग नहीं थी। तब बैंक ने अनुरोध किया कि हमें यदि पोर्टल खोल के दिया जाता है तो हम एंट्रियों को टैग कर देते हैं, जबकि ये एंट्रियां 597 टैग हो चुकी हैं और पेंडिंग फॉर अप्रूवल आज भी दिखा रही है, और कंपनी ने थोड़ी सी कलाकारी इसमें ये की कि उनको फ्रेश एंट्रियां ट्रीट कर दिया, जबकि अमाउंट की पेमेंट जो है वो 16,05,1200 एंट्रियों की पहले से हुई हुई थी। अब डिसन कंपनी को बुला के बुला के सपोर्ट करता हूं, इधर को पैसा मिलना चाहिए और यहां से नहीं तो वहां बड़े एग्रीकल्चर के डायरेक्टर से शिकायत कर दो देखो इनको पैसा भगवान का रूप समझे के साथ 3% की मारी किसान पैसा मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा जैन साहब।